हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो स्पेशली हमें बनानी पड़ रही है क्योंकि दो तीन बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर बहुत डर लग रहा है। तो चलिए अब हम आपको एक क्रांतिकारी यहाँ पे स्टेटमेंट देने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या भैया सबसे आसान, हम यहाँ पे 9th, 10th, 1st year, 12th और BSc पढ़ाते हैं। सबसे आसान अगर किसी में पास होना है तो वो BSc में, सबसे ज्यादा मौज अगर किसी में है तो वो BSc में। सर जी क्या कह रहे हैं आप, हम तो डर के मारे मरे जा रहे हैं। समझिए, आराम से समझिए, हम आपको समझाते हैं। देखो भैया, हमने कई वीडियो ऐसी बनाई जिसमें हमने क्या लिखा, मात्र 7 क्वेश्चन पढ़ो पास हो जाओगे। रियलिटी है, अगर हमने आपको केमिस्ट्री में बताया, केमिस्ट्री में क्या बताया हमने आपको, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लीजिए, वेस्पर थ्योरी पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, BBT के बारे में पढ़ लीजिए, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ लीजिए, रेजोनेंस, ओरल उंगलियों पर गिनवा दोगे बहुत आराम से, इतना लिख के आओगे तो पास हो जाओगे। अब देखिए, सबसे पहले तो पास और फेल दिमाग से हटा दो। अभी हालांकि जैसे हमारे साथ वाले कई लोग थे, पूरी यूनिवर्सिटी में केवल 24 लोग जो है वो फिलॉसफी कर रहे थे, फिलॉसफी से MA कर रहे थे। अभी कल मेरा रिजल्ट आया, तो अब क्या है, जब रिजल्ट आया तो हमें ना तो मॉडल मिले ना टाइम मिला, सुबह बस रात भर हम यहाँ वीडियो बनाते थे, सुबह उठ के गाड़ी, ब्लॉग आपने देखे होंगे चैनल पे, जाते थे जाके पेपर दे आते थे, लगभग 67% बन गई। कुछ लोग कहेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है, नहीं, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इतनी नॉलेज मेरे पास पहले से है यार, तो आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, और नॉलेज कोई बहुत भतेर बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है। हमने क्या बताया, 7, 8, 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट। सर जी खाली केमिस्ट्री में बता पा रहा, फिजिक्स में बता दो, लो बता दी, 3 थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, तीनों में से एक आएगी, बल्कि गॉस थ्योरम ही आ जाती, पिछली बार आई थी, इस बार हो सकता फिर आ जाए। लो तीन में एक पढ़ ली, एक टॉपिक हो गया, उसके बाद बाईटा सिग्मा, बाई के सिग्मा में रिलेशन दोनों पढ़ लेना, एक आ जाएगा, 10 नंबर में लो हो गया। 3 ही लॉन्ग तो करने होते हैं, 2 बता दिए। डिफरेंशियल इक्वेशन SHM से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी चीजें पढ़ लेना, आ जाएगा, और बताओ। बॉटरी हम आपको करा रहे, बॉटरी में 2 माइक्रोस्कोप कराए, 1 माइक्रोस्कोप लॉन्ग में आ सकता है, बहुत आराम से यार, टॉपिक उंगलियों पे गिन लो आप। तो पास नहीं होना, BSc करने वाला पास होना थोड़ी, वो तो कोई भी हो जाएगा यार, हम आपको 5-6 टॉपिक बता देंगे, पढ़ लेना, 15 नंबर का लॉन्ग आता है यार। अगर मान लिया दो लॉन्ग भी कर लिए, 15-30 नंबर हो गए, और 75 में कितने वाला, 25 वाला पास होता है यार, बना बना के भी छापोगे पर। फिर फेल कौन होता है, फेल होता है जो बौरा जाता है, उसे पता है कि ये आएगा तब भी नहीं कर रहा है। जैसे नहीं, लोगों को पता होता कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तब भी नहीं पढ़ रहा है पेपर सबको। अभी आप देखना, ऐसे लोग आपको BSc आप देने जाओगे, रिजल्ट बहुत कम जाता, इस साल तो तब भी ठीक गया, बंदा 15-20% BSc का रिजल्ट जाता था। लोग कहेंगे अगर सर जी का सब पास हो जाता तो 15-20% क्यों जा रहा, क्योंकि आदमी पढ़ना ही नहीं चाहता है। हवाबाजी करवा लो, लड़कीबाजी करवा लो, रीलबाजी करवा लो, बकैतीबाजी करवा लो, अंग्रेज बनवा लो, यहाँ से ट्रेन कटवा लो, बाल छिलवा लो, मुंह छिलवा, सब करवा लो, लेकिन भैया 4 क्वेश्चन नहीं याद होते हैं। यहीं पे कुछ लोग आते हैं पढ़ने, जो है वो गायब रहते, गोलेबाजी गोलेबाज आदमी, आकर फेल होगा, भैया अब नंबर कम आ गए। अरे यार नंबर कम आ गए भैया क्या करेंगे, भैया बता रहे 5 क्वेश्चन पढ़ो, तुम 5 नहीं पढ़ पा रहे तो कोई क्या करेगा। तो यानी हम आपको बता रहे, जो पढ़ने वाले बच्चे जो डर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए कि पास होना बिल्कुल आसान है। पास होने के बारे में मत सोचिए, कुछ अच्छा नॉलेज इकट्ठी करने के बारे में सोचिए, कोई टॉपिक पढ़िए तो उस पर थोड़ा रिसर्च करिए। हमने कुछ मान लिया यहाँ से वीडियो बनाई, फिर आपने YouTube पे 2-4 वीडियोस और देखी, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मान लिया कोई किताब ले आए, कोई मॉडल पेपर, इस तरीके के बहुत सारे मॉडल आते हैं, मान लिया चलिए दिनेश ही आता है या प्रतिभा आता, बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं मॉडल, तो कोई मॉडल ले आए देख रहा है, उसमें कौन से टॉपिक कराए हैं सर ने, कौन से नहीं कराए हैं, ठीक, खुद भी नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, बेहतरीन, अच्छे नंबरों से पास भी होंगे, नॉलेज भी होगी आपके पास, नोट्स भी होंगे, और किसी दूसरे को आप पढ़ा भी पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है, तो आप पढ़ा भी पाएंगे लोगों। और अगर आप ये सोचते रहे आज भैया हम तो फेल हुई नहीं, हमारो का हुई, कुछ नहीं होगा, पढ़ने वाले डरना भी थोड़ा बहुत जरूरी, डर नहीं लगेगा तो पढ़ेंगे कैसे आप भाई, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। सारे टॉपिक हमने आपको केमिस्ट्री लगभग पूरी करा के दे दी है, 2-3 टॉपिक रह गए, वो किसी भी दिन आ जाएंगे। फिजिक्स लगातार, आज भी अभी हम एक वीडियो पब्लिक करने वाले फिजिक्स की, कल उसमें 2 डेरिवेशन कराएंगे, बाई के सिग्मा और बाईटा सिग्मा में। बॉटनी की भी एक वीडियो पब्लिक होगी, इसके बाद BD Cadet BSc पे। 12th की वीडियो पब्लिक करने वाले, BD Cadet 12th। इतनी सारा तो कंटेंट आ रहा है यार, बस मन लगा के पढ़ना है। टेलीग्राम पे जाओ, BSc में हो BSc वाला चैनल ज्वाइन कर लो, 9th में हो 10th में 11th में वाला चैनल ज्वाइन कर लो, 12th में 12th वाला ज्वाइन कर लो, बस खोल के देखा कोई सर की नई वीडियो तो नहीं आई है, खोली देखी बस, मैं चिल कर रहा हूं। क्या श्री कृष्ण ने गीता में कहा, या तो भरोसा ना करो या चिंता ना करो, अगर आपकी MJPRU से रिलेटेड सिलेबस है या MJPRU यूनिवर्सिटी है, हम गारंटी ले रहे रफ एंड टफ तरीके से पेपर होंगे, बात खत्म हो गई।
तो मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, जो लिखाता है या कॉपी भराता है वो पास हो जाता है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, ठीक है। फिलहाल बीएससी में तो पास होना बहुत आसान है क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक है भाई, 8-10 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हम आपको बताते रहेंगे। बाकी सारी प्लेलिस्ट बी डिकेडियन बीएससी पे फिजिक्स और बॉटनी आ रही है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट यही इसी चैनल पे बनी हुई है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ढूंढे नहीं मिल रहा है तो सिर्फ टेलीग्राम पे ढूंढ लीजिए बी डिकेडियन बीएससी, जो भी वीडियो आती है वहां पर शेयर कर दी जाती है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।